हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जे एम आर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ के इतिहास के अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इटली का एकीकरण, और इटली के एकीकरण के अंतर्गत जो राष्ट्रवादी नेताओं ने अपनी भूमिका निभाई थी इटली के एकीकरण कराने में, उसमें पहला नाम आया था मेजनी का। आज सेकेंड नाम पढ़ते हैं काउंट काबुर का। तो काउंट काबुर कौन था, उन्होंने इटली में अपनी किस तरह से भूमिका निभाई, इन चीज़ों के बारे में समझते हैं। इससे पहले हमने क्लास टेंथ के हिस्ट्री के कुछ जो है टॉपिक्स को हमने अपलोड किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जे एम आर स्टडी के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था मेजनी के बारे में कि मेजनी कौन था। जैसे वह एक साहित्यकार था, है ना, राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक योग्य सेनापति था। उसने 1831 में यंग इटली का निर्माण किया, 1834 में यंग यूरोप का निर्माण किया, और उसके साथ साथ इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम लोग देखते हैं कि काउंट काबुर के बारे में। तो देखिए, काउंट काबुर क्या है। देखिए, काउंट काबुर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। याद रखिएगा, काउंट काबुर एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था, और वह इस चीज़ को समझता था कि अगर हमें इटली का एकीकरण करना है तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया को किसी तरह से मनाना पड़ेगा या अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। अतएव उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कहने का मतलब, क्योंकि वह समझ रहा था कि अगर हमें इटली का एकीकरण कराना है तो ऑस्ट्रिया को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, और इसके लिए उसने क्या किया, फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आपको पता होगा कि 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। और समझ रहा था कि भाई ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों एक दोस्त था, और इसके बीच में अगर दरार पैदा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रांस का समर्थन करना पड़ेगा। अगर हम फ्रांस के समर्थन कर देते हैं तो अपने आप ही जो है ऑस्ट्रिया पराजित हो जाएगा। और यही मौका को देखते हुए 1853-54 का जो क्रीमिया युद्ध था, उस क्रीमिया युद्ध में क्या किया गया, काउंट काबुर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था, जबकि इसका प्रत्यक्ष लाभ काबुर को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन जब हुआ, 1853-54 के क्रीमिया युद्ध के बाद जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, तो उसमें फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पीडमाउंट को भी बुलाया गया। पीडमाउंट कौन, जो इटली का उस समय सार्डिनिया पीडमाउंट जो था, इटली का जो शासक था उस समय, उसको भी बुलाया गया। इससे काबुर की महत्ता बढ़ गई, और इस सम्मेलन में काबुर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और उसने इस तरह से तर्क दिया उस पेरिस शांति सम्मेलन में कि अगर कोई विदेशी ताकत हमारे देश के अंदर में हस्तक्षेप कर रहा है, यह बात गलत है। और उसने इस चीज़ को प्रूव करवा दिया वहाँ पर पेरिस शांति सम्मेलन में कि जो ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण में जो अपना रोरा अरंगा जो लगा रहा है वह एक गैर कानूनी है, और इसे जो है राष्ट्र स्तर पर मान्यता भी मिल गई, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर चला गया। और एक पहली बार यह ऐसा हुआ था कि किसी नेता ने अपनी अक्ल का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैरकानूनी ठहराया था, जिससे क्या हुआ कि पूरे यूरोप का ध्यान किसके तरफ चला गया, इटली के तरफ चला गया कि भाई यूरोप में ऐसा कोई देश है, पीड़ित कोई देश है जिसे कुछ देशों के द्वारा दबाया जा रहा है, वहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिससे सभी यूरोपवासियों का ध्यान जो है इटली के तरफ गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबुर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी, और इस तरह से
काबुर ने क्या किया था, अपने कूटनीति के माध्यम से, अपने राजनीति के बलबूते उसने इटली के समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया, जिससे पूरे यूरोपवासी का ध्यान इटली के तरफ गया। काबुर ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि किया, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में निस और सेवाय नामक दो रियासतों को काबुर ने फ्रांस को देने का स्वीकार कर लिया। हालांकि इसको लेकर के उनकी बड़ी आलोचना भी की गई, काबुर का इसके लिए आलोचना भी किया गया कि भाई तुम क्यों दे रहे हो इस चीज़ को। लेकिन इनका एक ही कहना था कि यदि दो क्षेत्र को देने के बावजूद, अगर दो क्षेत्र को प्रांत को अगर हम खो करके भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण अगर हम कर लेते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और मैं इसे कर करके रहूँगा। यानी अगर पूरा देश एक हो जाए और अगर दो प्रांत हमें किसी को देना भी पड़े, अगर पूरा मेरा देश अगर एक हो जाता है तो इसके लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। और क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबुर की दृष्टि से संभव नहीं था और समझ रहा था काउंट काबुर कि हमें अगर इटली का एकीकरण करवाना है तो इसके लिए मदद किसकी लेनी पड़ेगी, फ्रांस की मदद लेनी पड़ेगी। अगर फ्रांस इसमें अगर मदद नहीं करता है तो इटली का फिर एकीकरण असंभव हो जाएगा। और इसने इसलिए उसने क्या किया था, दो क्षेत्र को, दो रियासतों को देने का फैसला किया था। ठीक है, निस और सेवाय, याद रखिएगा दो है क्षेत्र, निस और सेवाय नामक दो क्षेत्र था, दो रियासत था, जिसको देने का वादा किसने किया, काउंट काबुर ने। किसको देने का, नेपोलियन तृतीय को। कहाँ का शासक था, तो फ्रांस का शासक था। अब नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें, इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया था और युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। देख लीजिए किस तरह से काउंट काबुर ने क्या किया था, फ्रांस को अपनी तरफ किया था कि 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में बिना पूछे हुए ऑस्ट्रिया ने क्या किया, फ्रांस की इटली काउंट काबुर के समर्थन में क्या किया, उस क्रीमिया युद्ध में शामिल हो गया था। और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से 1859-60 के युद्ध में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के सीमा संबंधी जब विवाद हुआ इटली के बीच में, तो फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी ऑस्ट्रिया को हराने के लिए। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया सेना बुरी तरह से पराजित हो गया और ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोमार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। और एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवादी से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबुर के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता समझ गई कि अगर इटली का एकीकरण अगर कोई संभव करवाएगा तो वह है काउंट काबुर। इसलिए उत्तरी और मध्य इटली का जो जनता थी वह पूरा काबुर के समर्थन में एकजुट हो गया और एकीकरण के लिए अपना नारा बुलंद किया था। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतएव वेनेसिया पर विजय होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकार की और इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काबुर का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था, अतः उसने नेपोलियन को सेवाय प्रदेश देने का जो लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों को पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। देख लीजिए किस तरह से उन्होंने क्या किया, फ्रांस को अपने कब्जे में लिया, फ्रांस को कहा कि आपको मैं सेवाय प्रदेश दे रहा हूँ, सेवाय रियासत दे रहा हूँ,
और आप जो है ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच अगर युद्ध होता है तो उस युद्ध में आप क्या रहिए, एकदम निष्क्रिय रहिए। आपको किसी से न हमारे बारे में कुछ कहिए न उसके बारे में कुछ कहिए, आपको एकदम निष्क्रिय रहना है। और इटली के राज्यों का अगर हम पिडमाउंट में विलय का विरोध आप नहीं करिएगा, ऐसा हमें आप आश्वासन दीजिए। और मैं आपको जो है इटली का एक प्रांत है, रियासत है, सेवाए प्रदेश, वो मैं आपको दूंगा। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वहाँ जनमत संग्रह कराए जाएंगे। एक शर्त नेपोलियन तृतीय ने भी रखा कि ठीक है आप उस पर विजय कर जाइए, लेकिन विजय करने के उपरांत भी वहाँ पर एक और बात होगी, और वह बात क्या होगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा, जनता से पूछी जाएगी, वोटिंग कराई जाएगी कि क्या आप इटली में रहना चाहते हैं या ऑस्ट्रिया में जाना चाहते हैं। चूँकि उन रियासतों की जनता पीडमाउंट के साथ, इसलिए काबुर ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि लोग भी इस चीज़ को, काबुर भी समझता था कि अगर मैं जनमत संग्रह वहाँ कराऊँगा तो सभी लोग मेरे ही पक्ष में आएंगे, इसलिए उसने इस बात को बिना शर्त स्वीकार कर लिया। 1860-61 में काबुर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों, परमा, मोडेना, टस्कनी, क्या क्या है रियासत, परमा, मोडेना, टस्कनी को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे पुष्ट भी कर दिया, अपने पक्ष में ले लिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पीडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण के समस्या से भी जूझ रहा था। ये ऑस्ट्रिया केवल और केवल इटली का ही रोना नहीं था, ऑस्ट्रिया जो है वह केवल और केवल इटली के एकीकरण का ही वह रोना नहीं था, बल्कि वह जर्मनी के एकीकरण का भी एक रोना था। इसलिए इसे दोनों तरफ देखना पड़ रहा था, इसलिए बेचारा चाह करके भी जो है इसमें कुछ नहीं कर पाया, और इसके हाथ से धीरे 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 जो है इटली निकलता चला गया। और इस प्रकार 1862 में दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया, और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक बना दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, काउंट काबुर की भूमिका, इटली के एकीकरण में काउंट काबुर की भूमिका क्या थी, और किस तरह से उसने क्या किया, फ्रांस को अपने कब्जे में लिए, अपने अपने साथ लिया, इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ GMR Study YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।